ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁੱਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਾਣਾ ਜੱਗ 'ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੁੱਲਿਆ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਬਜਾਜ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੀ ਕੈਮ ਅਕੈਡਮੀ ਕੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਔਸਮ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਨਕੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਤਬ ਉਨਕੇ ਮਨ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਜਬ ਉਨਕੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪੂਛਾ ਵੀ ਆਪ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਮੇਂ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੋ, ਤਬ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲੀ ਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਹਮ ਗ੍ਰੀਨ ਥਿਊਰਮ ਕਾ ਪਰੂਫ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਥਿਊਰਮ ਕਾ ਪਰੂਫ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਕਾ ਪਰੂਫ ਆ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾ, ਗੋਸ ਕਾ, ਔਰ ਸਟੋਕ ਕਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾ ਥਿਊਰਮ ਕਾ ਪਰੂਫ ਆਪ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੋ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਥਿਊਰਮ ਕਾ ਪਰੂਫ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ 12 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੇ ਫਿਰ, ਹੈ 12 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੜੇਗੇ। देखो जी, ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, अभी तक तो आपको पता चल ही गई होगी क्योंकि हमने सभी एग्जांपल्स में इसको घसा घसा के इसका है इसका कचूमर निकाल दिया है, इसको यूज़ कर करके है, अब नई नई लानी पड़ेगी मार्केट से, हमने काफ़ी घसा दी है इसको यूज़ कर करके। देखो जी क्या है स्टेटमेंट, लेट आर बी अ क्लोज्ड रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई सिंपल क्लोज्ड कर्व, दैट एम एंड एन बी कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हैविंग कॉन्टीन्यूस पार्शल डेरीवेटिव। ये सारा हम कर चुके हैं क्वेश्चन में अप्लाई, मैं आपको मीनिंग बता चुका हूँ, एम एन कॉन्टीन्यूस फंक्शंस मतलब किस तरह से आपको सोचना है, उनके पार्शल डेरीवेटिव भी कॉन्टीन्यूस। देन क्या होगा, देन क्या होगा, ग्रीन थ्योरम का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट भाई ये है, ये हमने काफ़ी बार इसको अब यूज़ कर लिया है क्वेश्चन में, ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन में यूज़ कर लिया है। अब ये देखो, डबल इंटीग्रेशन से सिंगल इंटीग्रेशन में आना है, तो डबल से सिंगल आना इजी है, डबल से सिंगल आना इजी है, तो हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे डबल इंटीग्रेशन से, उसको सिंगल इंटीग्रेशन में लेकर आएंगे। ग्रीन थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हम डबल इंटीग्रेशन से शुरुआत करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रेशन से, और सिंगल इंटीग्रेशन तक आते आते हम खत्म करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है जी। तो देखो जी, प्रूफ क्या है भाई, है स्टेप वन, देखो स्टेप्स में तोड़ दिया है हमने थ्योरम को, और प्रूफ समझना इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो, जो मैं डायग्राम हाजिर हो, डायग्राम आगे भी डायग्राम, ठीक है जी। देखो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में जो आपको रीजन दे रखा है, देखो डायग्राम में जो आपको रीजन दे रखा है, इट इज इसकी कुछ खासियत है, इसकी कुछ खासियत है, क्या खासियत है, अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दूं, ठीक है, एक ये भी खींच सकता हूं, एक ये भी खींच सकता हूं, ये वाली लाइन ने कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनाया, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस लाइन ने वन, ठीक है, और ये वाली लाइन ने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लिए, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लिए। इसी प्रकार से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे इस डायग्राम के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचोगे, वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा हो सकता है किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे, हो सकता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे हॉरिजॉन्टल लाइन, हो सकता है दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर दे। तो हम जो रीजन ले रहे हैं वो कैसा रीजन ले रहे हैं, जिसको वर्टिकल लाइन ज्यादा से ज्यादा पोलियो बूंदों की ऐड नहीं चल रही भाई, जो ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, एटमोस्ट टू पॉइंट्स, चाहे वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी। तो पेपर में लिखना कैसे आपने, वो भी हाजिर हो भी प्रकट हो भी, चलो भी आ गया जी। तो इसमें हम दो केसेस बना रहे हैं, वी हैव टू केसेस। फर्स्ट केस क्या है भाई, लिख लो भी इसको, वीडियो एचडी में करके इसको लिख लो,
ठीक है, अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो वीडियो एचडी में कर लो भी। पहला क्या है भी, रीजन आर भी केस वन क्या ले रहे हैं, रीजन आर बी सच दैट एनी लाइन पैरेलल टू ईदर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनमें से किसी के भी अगर पैरेलल आपने लाइन खींच दी चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, तो वो मीट करेगी एट मोस्ट टू पॉइंट्स पर, ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स पर मीट करेगी। ठीक है जी, हम ऐसा रीजन ले रहे हैं, ऐसा रीजन ले रहे हैं, कितने कितने पॉइंट्स पर, ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक है जी, अगले स्टेप पर चलते हैं जी, अगला स्टेप हाजिर हो भी, स्टेप टू आ जाओ, प्रकट हो, चलो भी। फिर कुछ और इंग्लिश, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो लिखनी पड़ेगी भी है, मैथ विदाउट इंग्लिश भी इनकम्प्लीट है भी। क्या लिखना है, लेट द रीजन, भाई ये जो रीजन है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो रीजन है ये हम सपोज कर लेते हैं इंक्लूडेड है बिटवीन द लाइंस, कौन सी लाइंस, देखो ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन क्या है x इज इक्वल टू ए, और ये वाली लाइन क्या है x इज इक्वल टू बी। ठीक, कोई मुश्किल नहीं। और कौन सी लाइंस, ये है y इज इक्वल टू सी और ये है y इज इक्वल टू डी। हमारा जो रीजन है वो इंक्लूडेड है बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी। ठीक है, कुछ और इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी, लिखो फिर है, क्या है भी नेक्स्ट आ जाओ, लेट द इक्वेशंस ऑफ कर्व्स ए पी बी, देखो इनको नाम देना पड़ेगा, ये वाले कर्व पर जो पॉइंट है उसको ए नाम दे दो, इसको ये वाले पॉइंट को आप पी नाम दे दो, ये वाले पॉइंट को बी और इसको आप क्यू। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है, ए पी बी बी क्यू है, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व्स ए पी बी, जो ए पी बी कर्व है, ए पी बी, ठीक है, जो ए पी बी कर्व है ए पी बी, इसको हम डिनोट कर रहे हैं सी वन से, इसको हम डिनोट कर रहे हैं सी वन से, और जो कौन सी कर्व है भाई, बी क्यू ए, बी क्यू ए कर्व को हम डिनोट कर रहे हैं C2 से, इसको हम C2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले को हम C1 से डिनोट कर रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा अभी आपको भाई, ये लिखना पड़ेगा। और C जो C1 कर्व है, जो C1 कर्व है, इसके लिए आप Y की वैल्यू क्या ले लो, Fx, इतनी इतनी कर्व पर जो Y है वो सपोज Fx के इक्वल है, और C2 ये लिखो भी, C2 C2 वाली जगह पर जो Y है, C2 वाली जगह पर जो Y है उसके लिए y आप क्या ले लो gx, उतने उतने हिस्से के लिए y आप क्या ले लो gx। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत नोटेशंस हैं, थोड़े बहुत नाम हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, अगले स्टेप पे चलते हैं अभी, स्टेप नंबर थ्री, प्रकट हो, लो जी आ गया जी। ये देखो जी, मैंने आपको कहा था ना हम डबल इंटीग्रेशन से, डबल से जाएंगे सिंगल में, वो इजी रहेगा, वो इजी रहेगा, डबल से सिंगल में आना इजी होता है। तो देखो हमने शुरू कहाँ से किया, शुरू किया हमने डबल इंटीग्रेशन से, डबल इंटीग्रेशन किसकी कर रहे हैं, इकट्ठी नहीं कर रहे, इकट्ठी नहीं कर रहे, सिर्फ 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 किसकी कर रहे हैं, सिर्फ कर्ल एम बाय कर्ल वाई की, सिर्फ इसकी कर रहे हैं पहले डबल इंटीग्रेशन, पहले इसकी डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो किसकी लिमिट्स वेरिएबल हैं, देखो इसमें देखो ये देख लो आप, y y की लिमिट्स क्या है, y की लिमिट्स वेरिएबल है भाई x में है, तो अगर y की लिमिट्स वेरिएबल है तो पहले पहले है ना उस y की y विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन पहले करो, देखो घर में अगर दो भाई हैं जैसे हम उम्र ही है, एक जैसी उम्र के हैं, अगर किसी का मन ज़्यादा वेरिएबल हो रहा है तो उसकी शादी पहले कर देते भी हैं, जो ज़्यादा चूचा कर रहा है, जो ज़्यादा नखरे कर रहा है, जो ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है, वेरिएबल हो रहा है, उसकी शादी पहले कर देते। तो यहाँ पर जिसकी लिमिट्स वेरिएबल है पहले उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो पहले हमने वाई के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर दी। ठीक है जी, ये देखो लो जी, y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन पहले कर दो। अब
देखो कर्ल समझ रहे हो ना, ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे भी, है कैंसल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल हो जाएंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा, आगे भी आ जाओ, क्या है भी प्रकट हो, लो भी आ गया। ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कट के अकेला क्या बचेगा, एम बचेगा। एम एम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एम इज अ फंक्शन ऑफ, देखो यहां पर क्या था, एम का वाई से पार्शियल डेरिवेटिव, इसके आपने इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर दी, वाई के। तो ये देखो कट के कट गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कट गया, सिर्फ क्या बचा एम। और लिमिट्स क्या है, यहां पर लिमिट्स क्या है भी, जी एक्स, यहां पर लिमिट्स क्या है, एफ एक्स। तो लिमिट्स भी तो फिल करनी पड़ेंगी ना, तो है ना, एम इज अ फंक्शन ऑफ, एम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। भैया तो एक्स एंड वाई का फंक्शन है ही, ठीक है। पहले जी एक्स फिल किया, देखो पहले जी एक्स फिल करेंगे, पहले यहां पे जी एक्स फिल करेंगे माइनस, फिर वाई की जगह पर एफ एक्स फिल करेंगे, देखो भी क्या आ जाएगा, भाई देख लो क्या आ जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल यही आया, बिल्कुल जी बिल्कुल यही आया। ओके यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे चलते हैं अभी, है देखो अगले अगला अगला आप आगे आपने क्या करना है, थोड़ा सा गेम खेलना है। गेम क्या खेलना है, ठीक है, इसमें गेम क्या खेलना है आपने, देखो इसमें ये देखो भाई, जो जी एक्स है, ठीक है, जी एक्स, जी एक्स अगर आप डायग्राम देखोगे, अगर आप डायग्राम देखोगे, ठीक है, ये डायग्राम देखो आप, ये वाला इतना हिस्सा जो है ए पी बी, ठीक है, बी क्यू ए, बी क्यू ए जो हिस्सा है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, जी एक्स, ठीक है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, जी एक्स। और ए पी बी हिस्से को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। तो जब देखो पिछले वाले में क्या था, अभी देखो यहां पर क्या है भी, जी एक्स है ना, जी एक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्यू ए, ठीक है, बी क्यू ए, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्यू ए, इतनी इतनी कर्व को, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पी बी, ठीक है, ए पी बी। तो देखो इसमें क्या है, ए से बी, ठीक है, इसकी जगह पर आपने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर देखो ये समझने वाली बात है, ए पी बी, ए वाल, ए क्या है आपका घर, ठीक है, घर, और ये क्या है, कॉलेज। तो जब आप घर से कॉलेज आए वाया ए पी बी, ठीक है, वाया ए पी बी, अगर आप घर से कॉलेज आए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर एक्स क्या है, ए, यहां पर एक्स क्या है, बी। तो जब आप घर से कॉलेज आए, घर से कॉलेज आए किस रास्ते से आए भी, ए पी बी, ए पी बी आए, तो आपका जो एक्स था वो ए से बी आपने लेना है, ए से बी, ठीक है, ए से बी लेना है। बट जब आप बी क्यू ए आओगे, बी क्यू ए, ये समझने वाली बात है, बी क्यू ए, आप आ रहे हो कॉलेज से घर, भाई कॉलेज से घर आ रहे हो, तो जब आप कॉलेज से घर आ रहे हो, ठीक है, इस वे से आ रहे हो, तब आपका जो एक्स है वो बी से ए वेरी कर रहा है। देखो कॉलेज 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 पर एक्स की वैल्यू क्या है, बी, और घर आकर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। तो जब आपने, जब आप बी क्यू देखो, देखो बी क्यू में आप ए से बी थोड़ी गए हो, आप बी से ए आए हो, तो इसको चेंज करो ना, इसको बी से ए कर लो, बट अगर आपने चेंज किया तो माइनस का फर्क आ जाएगा भाई, माइनस का फर्क आ गया। और ये तो सही है, ए पी बी में आप ए से बी ही गए हो, ठीक है, ये तो सही था, ठीक है भाई, ये तो सही था। अब देखो जी एक्स, अब ये मैच करना चाहिए, जी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बी क्यू ए को, ठीक है, जी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बी क्यू ए को, और बी क्यू ए में आप बी से ए आए, देखो ये बी से ए बिल्कुल सही है, ओके। और अब ये भी मैच करना चाहिए, ए पी बी है ना,
एपीबी में आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, एपीबी में आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, एफ एक्स को, और एफ एक्स में आप क्या आए हो, ए से बी, तो घर से कॉलेज आए हो तो ए से बी, बिल्कुल सही है, ए से बी ही है लिमिट्स, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों इंटेग्रल माइनस के हो जाएंगे। तो आप क्या करो, आप क्या करो, ये माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लो और बी क्यू ए लिख दो इंटीग्रेशन में भी, हम बी से क्यू गए, क्यू से ए, और इसमें लिख दो आप ए से पी गए, पी से बी, ठीक है जी, माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया, रीजन साथ में दे देना, वाई इज इक्वल टू जी एक्स रिप्रेजेंट द कर्व बी क्यू ए एंड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट द कर्व ए पी बी, भाई ये लिख देना आपने। नेक्स्ट आ जाओ भी, नेक्स्ट आ जाओ, है ना, ये डायग्राम आ गए। चलो इसके बाद ये देखो, सेम देखो, ये दोनों सेम टू सेम आ गए, बिल्कुल सेम टू सेम आ गए। ये कहता है अभी पहले वाला इंटीग्रल कहता है मैं बी से गया क्यू, क्यू से गया ए, दूसरे वाला इंटीग्रल शुरू कहां से हो रहा है, ए, ए से शुरू हो रहा है, फिर पी, फिर बी, ए पी बी। तो ये देखो, ये जहां पर ये एंड हो रहा है वहीं पर ये क्या हो रहा है, स्टार्ट, तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख दिया, ऐसे इकट्ठा लिख सकते हैं भी, क्योंकि दोनों का, एक का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, तो इकट्ठा लिख सकते हो, बी क्यू है ए पी बी, ऐसे इकट्ठा लिख दिया अभी। और इसके बाहर साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का, ठीक है, बाहर साइन, और ये कर्व पूरी हो गई है ना, ये पूरी पूरी कर्व आ गई ना डायग्राम में, देखो पूरी कर्व नहीं कर ली इसने कवर, है ना, बी से क्यू, बी से क्यू, फिर क्यू से ए, फिर ए से पी, फिर पी से बी, पूरी की पूरी कर्व आ गई, ये पूरा का पूरा सी लिख दिया हमने। और फिर ये सिंबल लगा दो, ये सिंबल किसका है भाई, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व है भाई, ठीक है। तो ये तो एक हिस्सा हो गया है, इसको कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे दो भी, है इसको क्या, इक्वेशन नंबर वन दे बोल दो भी, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो भी, ये जो अभी हमने प्रूफ किया है इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो, ठीक है जी। अगले स्टेप पे चलते हैं जी, स्टेप नंबर फोर प्रकट हो भाई, ये प्रकट हो। देखो इसमें क्या है, डायग्राम देखो, अब थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, अब क्या है भाई, क्यू ए पी, क्यू ए पी, क्यू ए पी, ठीक है, क्यू को आप क्या बोल लो, घर। अब यहां पर घर शिफ्ट कहां हो गया, क्यू पर, घर कहां शिफ्ट हो गया, क्यू पर, ओके। तो आप घर से कॉलेज आए, तो घर से कॉलेज तो आ गए, चलो ठीक है, अब वापस कॉलेज से कहां जाना आपने, घर पर, ठीक है, वाया बी गए आप, वाया बी चले गए। तो इतने इतने हिस्से को, इतने इतने हिस्से को इन्होंने जो उसको, इसको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, पी बी क्यू वाले हिस्से को, एक्स इज इक्वल टू साई वाई, और इस तरफ इतने इतने हिस्से को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू ए पी को, इसको रिप्रेजेंट किया है एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई, ठीक है। और ये देख लो आप डायग्राम में, देखो वाई इज इक्वल टू सी से डी ही जा रहा है, बिल्कुल वाई सी से डी, ये देखो इतने इतने हिस्से के लिए वाई सी से डी तक ही है, बिल्कुल है, ये सही है। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करी है, y इज इक्वल टू सी को, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करी है, y इज इक्वल टू डी को, तो बिल्कुल सही है भी, ठीक है जी। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो लिखनी पड़ेगी है। अब आगे देखो, ये मैंने पहले ही बता दिया था भाई, डबल इंटीग्रेशन से सिंगल इंटीग्रेशन में जाना है, तो डबल इंटीग्रेशन पहले कर्ल एम बाई कर्ल वाई का कर चुके हैं, पहले भी उसकी शादी हो चुकी है, वो ज्यादा चूचा कर रहा था, अब किसकी शादी करनी है, अभी कर्ल एन बाय कर्ल एक्स की शादी कर दो, है ना। अब देखो यहां पर आप डीएक्स और ये कर्ल एक्स, है ना, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा अभी, क्या आएगा, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, क्या आएगा अभी, देखो ये इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल होके सिर्फ इकलौता क्या बचेगा, एन बचेगा, और एन में अगर आप ये लिमिट्स फिल कर दोगे, अगर आप एन में ये लिमिट्स फिल कर दोगे, है लिमिट्स किसकी, एक्स की, तो एक्स की जगह पर ही फिल करना पड़ेगा ना, अरे एक्स की लिमिट्स है भैया जी, एक्स की जगह पर ही फिल करना पड़ेगा, हाँ जी।
ठीक है जी। तो भी फिल कर दिया एक्स की जगह पर, कर दिया भी हमने एक्स की जगह पर फिल, ठीक है। इसके बाद देखो डायग्राम को, देखो ध्यान से डायग्राम को देखो, डायग्राम में डायग्राम में ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ। जो क्यू से क्यू ए पी, ठीक है, क्यू ए पी, क्यू ए पी जो क्यू ए पी हिस्सा है, क्यू ए पी, ठीक है। आप घर से कहाँ आ रहे हो भाई, कॉलेज। देखो घर, घर ये घर और ये कॉलेज, घर के सामने y कितना है भाई, d, और कॉलेज के सामने y कितना है भाई, c। तो जब आप q ए p को कवर कर रहे हो तो y आपका d टू c जाएगा, y आपका d टू c जाएगा, y आपका d टू c जाएगा। और q ए p को हमने क्या लेट किया था, ठीक है, q ए p को हमने phi से डिनोट किया था, q ए p को phi, phi है ना, phi, ठीक है। इसको आपने एक्स इज इक्वल टू फाई से डिनोट किया था। तो बस इतना देख लो, क्या ये जो फाई वाई है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको लिमिट सी टू डी चाहिए, क्या आपको लिमिट सी टू डी चाहिए? नहीं, हमें लिमिट डी टू सी चाहिए क्यू ए पी में। ये क्यू ए पी को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब इसकी लिमिट्स आप क्या लोगे, डी टू सी, डी टू सी। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो भी इंटीग्रेशन अलग 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 कर दी, कर दी, ठीक है। बट ये जो क्यू ए पी है, क्यू ए पी में आप घर से कॉलेज गए, घर से कॉलेज गए, आप डी टू सी, हमें लिमिट्स डी टू सी चाहिए। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं इंटरचेंज। देखो कर दिया, इंटरचेंज किया, माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया भाई, माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। ये क्यू ए पी और दूसरे वाला, ठीक है, ये पी था और दूसरे वाला है ना, दूसरे वाला क्या था, पी बी क्यू, ये पी बी क्यू। तो पी बी क्यू में क्या है, देखो पी बी क्यू में क्या है, पी बी क्यू में आप कॉलेज से घर आए हो, है ना, कॉलेज को, तो कॉलेज में देखो वाइस इज इक्वल टू सी, है ना। पी बी क्यू में, पी बी क्यू में जो आपका वाई है वो सी टू डी जा रहा है, सी टू डी, चेक कर लो कॉलेज, कॉलेज के कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। आप कॉलेज से, पी बी क्यू में आप कहाँ जा रहे हो, कॉलेज से, कॉलेज से घर। तो कॉलेज में वाई कितना है, कॉलेज के सामने वाई कितना है, सी, घर के सामने वाई कितना है, डी। तो पी बी क्यू तो सही है ना, ये सी से डी बिल्कुल सही है। तो अब क्या करो, इनकी जगह पर, इनकी जगह पर आप क्या लिख दो, ये लिख दो ऐसा, है ना, इसकी जगह पर दोबारा x लिख दो और ये लिख दो भी पी बी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह पर भी आप दोबारा x लिख कर क्या लिख दो भी, ये क्यू ए पी को इंटेग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इंटेग्रल लिया गया है भाई, ठीक है जी, ओके। और ये रीजन दे दे रहा है भी साथ में, x इज इक्वल टू साई वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी बी क्यू को, ठीक है, पी बी क्यू को। ओके, एंड x इज इक्वल टू फाइव वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू ए पी को, ओके नेक्स्ट। तो इनको देखो, इनमें क्या है, इनमें देखो पी बी क्यू, तो एंड यहां पे हुआ, एंड कहां पे हुआ, क्यू पर, और इसमें क्यू ए पी, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से ही स्टार्ट हो रहा है, पहले वाले में क्यू पे एंड हो रहा है। तो अगर एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो इकट्ठा कर दो, ये इकट्ठा कर दिया अभी, इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा करके ये क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी सी कर्व, ठीक है, सी कर्व बनेगी। इसको कुछ नाम दे दो, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर वन और टू को अगर ऐड कर दें तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा भाई, रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है जी, काम ही खत्म हो गया। अब ये तो था केस वन के लिए, केस वन के लिए। स्टेप फाइव में केस टू, देखो पहले तो बच्चे केस वन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसको एक दो बार लिख कर देखो,
लिख कर देखो, किसी को टेस्ट भी आप दे सकते हो, वो दी बेस्ट रहेगा। स्टेप फाइव में केस टू डिस्कस करते हैं। ये वाली डायग्राम ध्यान से देखो, है ना। पहले केस में हमने क्या डिस्कस किया था, जब एट मोस्ट टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। अब कोई ऐसी डायग्राम आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा रीजन आ जाए जिसमें जो कर्व है वो मोर देन टू पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, मोर देन टू पॉइंट, जैसे ये डायग्राम बनाई हुई, तो इसमें कहा गया है भी हम क्या करेंगे, अगर मोर देन टू पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, हम एक एस टी कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हम एक एस टी, देखो डायग्राम में देखो, एस टी कंस्ट्रक्ट की हुई है। हम एक एस टी कंस्ट्रक्ट कर देंगे जो कि रीजन को दो हिस्सों में बांट देगी, आर वन और आर टू दो हिस्सों में बांट देगी, सच दैट बाउंड्री ऑफ ईच मीट इन एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स पर, ठीक है। हम अगर आपके पास ऐसा रीजन आ गया है जिसमें क्या है, मोर देन टू पॉइंट इंटरसेक्शन हो रही है वर्टिकल लाइंस की और हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो हम क्या करेंगे, हम एक एस टी कंस्ट्रक्ट करेंगे। डायग्राम में देखो, एस टी कंस्ट्रक्ट कर दिया जिससे दो हिस्से हो गए आर वन और आर टू, और ये वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं आर वन और आर टू, जिसमें क्या था भी, जो दो पॉइंटों पर ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट, जो हमने केस वन किया है, केस वन में हमने देखो, केस वन में हमने वो किया है भी एट मोस्ट टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो, ठीक है। केस वन में हमने क्या डिस्कस किया है, भी ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंटों पर इंटरसेक्शन हो। केस टू हम किसका ले रहे हैं, मोर देन टू पॉइंट्स का, तो हम क्या कर रहे हैं भी, अगर ज्यादा दो से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रही है तो हम एक एस टी लाइन खींच देंगे। एस टी लाइन खींचने के बाद उस रीजन के दो हिस्से हो गए आर वन और आर टू, और ये वो वाले रीजन बन चुके हैं जिनमें एट मोस्ट टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रही है, तो केस वन यूज किया जा सकता है। क्या यूज किया जा सकता है, केस वन, आर वन के लिए अलग, आर टू के लिए अलग, इनके लिए केस वन यूज किया जा सकता है। तो देखो अब कैसे करते यूज, देखो बाय केस वन, ठीक है, केस वन किसके लिए था अभी, एट मोस्ट टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन, ठीक है, बाय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए तो ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो, केस वन ये था। तो ये किस पे एप्लीकेबल है, पूरे रीजन के लिए नहीं, आर वन के लिए अलग, आर टू के लिए अलग अलग। तो जो आर वन रीजन है उसकी डायग्राम देखो, उसमें कर्व कहां से कहां तक है, क्या एस टी यू एस है, चेक करो। देखो आर वन रीजन ध्यान से देखो, क्या उसमें कर्व एस टी यू एस है, बिल्कुल है। और हमने क्या एंटी क्लोक वाइज लिया है, क्या ये एंटी क्लोक वाइज ही है, है ना, ये ऐसे एस टी यू एस, बिल्कुल सही है। इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल दो। एंड केस वन को दोबारा यूज किया गया अब आर टू के लिए, आर टू के लिए, अब आर टू की कर्व देखो, क्या ये सही बनी हुई है, क्या एस वी टी एस ही है, क्या एस वी टी एस ही है आर टू की कर्व, बिल्कुल। उसकी बाउंड्री, बाउंड्री चेक करो, डायग्राम देखो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब थ्री और फोर को ऐड कर दो, अरे थ्री और फोर को ऐड कर देते हैं, लुक कर दिया, थ्री और फोर को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर आर वन आर टू, आर वन आर टू ऐड होके, ऐड होके क्या बन जाएगा, पूरा रीजन अगर ये प्लस करोगे तो ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, पूरा रीजन, पूरा रीजन बन जाएगा भी, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन बन जाएगा। डायग्राम देखो भी है, डायग्राम देख लो, ओके। तो दोनों की वैल्यू अगर हम इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर से निकाल ले तो ये आ जाएगी, R1 की बाउंड्री ये है और R2 की बाउंड्री ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब इनको इनको क्या करो, ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पर तो पूरा रीजन R, देखो ये R लिख भी दिया, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड पर है इसके हिस्से कर दो, जो ST, ठीक है, STU, इसमें से ST अलग कर दो एंड TUS अलग कर दो,
एसटी अलग कर दिया, टीयूएस अलग कर दिया, इसमें भी ऐसा करो, इसमें एसवीटी अलग कर दो एंड टीएस अलग कर दो। देखो बिल्कुल ऐसा ही किया, बिल्कुल ऐसा ही किया है, ठीक है जी, ये अलग अलग कर दो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा जो होगा देखा जाएगा है, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। जो देखो ये कहां से आया, ये वाला हिस्सा कहां से आया, ये आया प्लस इंटीग्रेशन, यहां पे क्या था टी एस, ठीक है। तो आपने अगर टी एस की जगह पर लिख दिया एस टी, अगर आपने टी एस की जगह पर क्या लिख दिया एस टी, ठीक है, ऐसा होता है भी, अगर आपने टी एस की जगह पर क्या लिखना है एस टी, तो यहां पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ओके। अब ये देखो ये प्लस का एस टी, ये माइनस का एस टी, कैंसल हो गया जी, कैंसल बबुआ कैंसिल, ठीक है जी, कैंसल हो गया। और ठीक है बाकी क्या बचा, बाकी क्या बचा, बाकी बचा टी यू एस एस वी टी, इसमें देखो एस, ठीक है टी यू एस यहां पर एंड हो रहा है, एस वी टी यहां से स्टार्ट हो रहा है एस से, तो दोनों सेम है, तो आप इसको इकट्ठा लिख दो, इकट्ठा पूरा, ये पूरा कर दिया टी यू एस वी टी, टी यू एस वी टी अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो तो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी की पूरी बाउंड्री बन गई टी यू एस वी टी, पूरी की पूरी बाउंड्री बन गई। तो ये हमने इन जर्नल भी प्रूफ कर दिया भाई, इन जर्नल भी प्रूफ कर दिया, ठीक है जी। तो आई थिंक इतना ही था प्रूफ ग्रीन थ्योरम का, इसको आपको लिखकर देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग में बिठाना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेमोराइज का टॉपिक है, ठीक है जी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।